अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा में आज MMRDA ब्रिज के नीचे सुबह शिंदे सेना का झंडा जलाया गया, साथ ही इस पार्टी का बैनर भी फाड़ा गया। इसकी खबर जब शिंदे सेना के पदाधिकारियों को लगी तो तुरंत ये पदाधिकारी वहाँ पहुँचे और ये सब देख कर दंग रह गए, जिसके बाद इस घटना की शिकायत लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, मगर इनकी शिकायत नहीं ली गई। इस मामले में हमने शिंदे सेना के पदाधिकारी अनवर कच्छी से बात की, आइए जानते हैं इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। अनवर भाई, आज बाला साहेब की शिवसेना का झंडा जो है यहां पर जलाया गया और बैनर उनर फाड़े गए, कौन है ये लोग और इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई या नहीं कराई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सुबह में है ना, 6 से 6:15 के बीच में हुआ है। हम लोग ने CCTV चेक किया तो उसके अंदर एक बाइक में लड़का आता है और ये सब कांड करके जाता है। तो 7 बजे जब हमारे आदमी लोग आए यहाँ पे, तो देखे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बाद में फिर हम लोग ने पुलिस स्टेशन में भी इत्तला की। सुबह 9 बजे पुलिस वाले आके तहकीकात करके गए ले, अभी तक तो कोई FIR हुई नहीं है। सीनियर साहब भी बाहर थे, तो अभी देखते क्या करते, पुलिस क्या एक्शन लेती है। जैसा कि बाला साहेब शिवसेना की जो झंडा उंडा जो यहाँ पर जलाया गया है, तो इसका कंप्लेंट आपने पुलिस चौकी के अलावा और अपने ऊपरी लेवल पे जो शीर्ष नेता आपके, उनको जानकारी दिए या नहीं दिए? तो सबको जानकारी दिए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन भी किए और उन लोग CCTV सब चेक कर रहे हैं और आगे देखते क्या कार्रवाई होती है, उसके हिसाब से फिर हम लोग हमारे वरिष्ठों को इसकी जानकारी देंगे। क्या लगता है अनवर भाई, आपकी जो यहाँ पर ऑफिस है MMRDA ब्रिज के नीचे, जो आपने ऑफिस अभी ओपनिंग किया है, इसको हटाने की साजिश तो नहीं रची जा रही या कोई पार्टी के लोग तो नहीं इसमें शामिल है? काफ़ी लोगों को इसमें तकलीफ हो गई है, क्योंकि शिवसेना की यहाँ पे ऑफिस हुई है तो बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए हम लोगों को। तो हम लोग तो कैसा, माननीय मुख्यमंत्री MMRDA के चेयरमैन है, तो उनसे हम लोगों ने बाकायदा लेटर लेके परमिशन लेके काम किया है, और भी जितने अन्य विभाग है, TMC है, युवा प्रभाग समिति है, खासदार साहब को, सबको लेटर दिया गया है और हम लोग का प्रोसीजर चालू है। यह ऑफिस आपने जो यहाँ पर कायम किया, इसकी परमिशन आपके पास है या फिर अवैध तरीके से है? नहीं, ये बाकायदा खासदार साहब के कहने पर किया गया है और MMRDA को इत्तला कर दी है और बाकी जो भी कुछ है पेपर वो सब लोग का चालू है। इतना सब हो गया, एजाज भाई क्या कहेंगे आप? इतना सब हो गया भाई, मैं यही करूँ चाहूँगा कि पुलिस इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कि जिसने ये भी हरकत की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।